अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इतिहास की गूंज। मेरा नाम दानिश शेख, इतिहास की गूंज की टीम में आपका हार्दिक स्वागत है। खैर मकदम है दिल की गहराइयों के साथ। चलिए मैं आपको मुगलिया सल्तनत के सातवें बादशाह के पास ले चलता हूँ, जो औरंगज़ेब के दूसरे बेटे थे, जिनका नाम कुतुबुद्दीन मोहम्मद आज़म शाह था। आप मेरे पीछे ये किला देखते हैं, इसकी बुनियाद आज़म शाह ने रखी थी। ध्यान से सुनिए, आज़म शाह मुगलिया सल्तनत के सातवें बादशाह थे। मुगलिया सल्तनत के सातवें बादशाह जिनका नाम कुतुबुद्दीन मोहम्मद आज़म शाह है। आज़म शाह कौन थे? चलिए हम एक नज़र डालते हैं आज़म शाह पर। आज़म शाह औरंगज़ेब के बड़े बेटे थे, जिनका जन्म 1653 में हुआ था। चलिए देखते हैं हम। हज़रत मोहियुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बाद कुतुबुद्दीन मोहम्मद आज़म शाह तख्त नशीन हुए थे। कुतुबुद्दीन मोहम्मद आज़म शाह का जन्म 28 जून 1653 को पैदा हुए। आप मुगल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर के बड़े बेटे थे। औरंगज़ेब आलमगीर ने उन्हें 1681 में अपना वली अहद मंजूर किया और शहंशाह की वफ़ात के बाद आज़म शाह 14 मार्च 1707 को तख्त नशीन हुए। तवील वली अहद के दौर में आज़म शाह कई सूबों के हाकिम रहे, जिनमें बेरार सूबा, मालवा, बंगाल, गुजरात और दक्कन शामिल हैं। 1685 में औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने कुतुबुद्दीन मोहम्मद आज़म शाह को 50,000 के लश्कर के साथ बीजापुर की जानिब रवाना किया। आदिल शाह से आज़म शाह को शिकस्त हुई और बीजापुर के किले के दरवाजे से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। आज़म शाह एक तवील अरसे तक बंगाल के हाकिम रहे और वहाँ का नज़्म व नसब इंतहाई उमदगी से चलाया, जिसकी बिना पर कहा जा सकता है अगर शाह आलम की जगह आज़म शाह हुकूमत करते तो आज बर्रे सगीर की तारीख कुछ और होती। तख्त नशीनी की लड़ाई में आज़म शाह को उनके सौतेले भाई शहजादा शाह आलम के हाथों 8 जून 1707 में शिकस्त हुई और वो उनके 3 बेटों के साथ सुल्तान बेदार बख्त, शहजादा जवा बख्त और शहजादा सिकंदर शाह बहादुर के हमरा कत्ल किए गए। इनके कत्ल के बाद शहजादा आलम बहादुर शाह अव्वल के नाम से तख्त नशीन हुए। बेरार सबा के दो मशहूर शहर अचलपुर और शहर बालापुर, आज़म शाह दक्कन के अंदर 1681 में बेरार सबा के सूबेदार थे। दरअसल बेरार सबा के दो मशहूर शहर अचलपुर और शहर बालापुर, जो बेरार सभा के रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, आज़म शाह बेरार सभा में मुकीम थे। शहर बालापुर के अंदर आज़म शाह रहा करते थे कि 1690 के अंदर आज़म शाह ने शहर बालापुर के अंदर एक किले की बुनियाद रखी थी, जो कच्चा मिट्टी का हुआ करता था। आप मेरे पीछे ये सारा इलाका देख रहे हैं, ये शहर बालापुर के अंदर आज़मपुरे में मैं मौजूद हूँ। बेरार सभा के अंदर आज़म शाह रहा करते थे। शहर बालापुर के अंदर आज़मपुरा उन्हीं के नाम पर आबाद है। कुतुबुद्दीन मोहम्मद आज़म शाह जब बंगाल में सूबेदार थे, उन्होंने बंगाल ढाका में एक किला तामीर कर जिसे लाल बाग फोर्ट कहते हैं। आज़म शाह बेरार में जब सूबेदार थे, 1677 में औरंगज़ेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में नहरों का रास्ता हुआ करता था और बहरी जहाज से सफ़र किया करते थे। अगर बात की जाए छोटे छोटे शहरों की, तो आज़म शाह ने छोटे शहरों में लोगों के गुजरने के लिए तंगलियाँ थीं, शहर में आमदोफरोख के लिए मुनासिब छोटे सड़कें थीं, आज़म शाह ने इसे बदल दिया। आज़म शाह ने ठोस कॉन्क्रीट की सड़कें इतनी चौड़ी बनाई कि घोड़े हाथी सफ़र आसानी से कर सके। कुतुबुद्दीन मोहम्मद आज़म शाह ने अपनी प्यारी मां की याद में, जिनका नाम दिलराज बानो है, 1660 में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में तामीर करवाया।
तख्त नशीनी की लड़ाई में मोहम्मद आजम शाह को उनके सौतेले भाई शहजादा आलम के हाथों 8 जून 1707 में शिकस्त हुई और मोहम्मद आजम शाह के 3 बेटे सुल्तान बेदार बख्त, शहजादा जवाब बख्त और शहजादा सिकंदर शाह बहादुर के हमराह कत्ल किए गए। आजम शाह की मज़ार खुलदाबाद में मौजूद है। हमने यूट्यूब से एक क्लिप हासिल की है जिसे आप देख सकते हैं। औरंगजेब साहब की वसीयत के मुताबिक औरंगजेब साहब को यहाँ लाए इन्होंने और जो बीबी मकबरा है औरंगाबाद के अंदर इन्होंने अपनी माँ की याद में बनाया। इन्होंने बनाया था, इन्होंने बनाया सेकंड ताजमहल बेटे ने बनाया। औरंगजेब साहब को पेशाब पर दिल्ली के बादशाह से 50 साल हुकूमत दिल्ली पे करे, टोपियाँ सिलते थे, कुरान शरीफ की लिखाई करते थे, टोपी को बाजार में बेच के मेहनत का खाना खाते थे, उसमें से बचा 14 रुपया बाराना। लड़के को वसीयत की कि मेरी कबर 14 रुपया बाराने में बनना, हुकूमत का पब्लिक का पैसा खर्चा नहीं होना, अवाम की कबर होती ऐसी होना। आप देखिए मिट्टी का कबर बार बार ये दरवाजे। इनका इंतकाल कब हुआ था? ये देखिए सर 1119 हिजरी है। ये दरवाजे पत्थर के ये उन्होंने लगाए।